guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and at your home. जैसे आप लोगों को पता है मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो डाला था वो मैंने अपने बर्थडे का ब्लॉग डाला था एंड उस पर आप लोगों ने बहुत 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 मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे उनको इतना सपोर्ट किया थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड मतलब मेरे को बहुत लोगों ने उसमें रिक्वेस्ट किया था कि लाइक मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है लाइक मैंने जो अपने बर्थडे आउटफिट के साथ उसने मेकअप किया था तो वो लोगों ने कहा था बहुत अच्छा लग रहा है सो दे वॉन्ट अ ट्यूटोरियल ऑन दैट मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई उस चीज़ के लिए सो आज की वीडियो में बहुत एक जो स्वीट एंड सिंपल था जो मेरा डे टू डे मतलब अगर मैं बाहर वैसे नॉर्मल जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी तो जो नॉर्मल होता है ना आपका आउटगो वेयर ना ज्यादा हेवी ना ज्यादा लो मतलब जो होता है ना आपको इंस्टेंट ग्लो देता है एंड वैसे वाला मेकअप आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ सो इनफ ऑफ जिमर जामर लेट्स गेट इनटू द वीडियो सो गाइस मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा सा टाई कर लिया मतलब मैंने सिर्फ एक हेयर बैंड पहना और कुछ नहीं करा है बस वो मुंह पे ना है इसलिए सो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे एंड मैं अपने प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगी बट उसका ऐसे कोई जरूरी नहीं होता कि आप लोगों को मेरे वाले ही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या सेम चीजें यूज करनी होती है आपको जो जैसा आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको अच्छा लगता हो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग या आपके फेस के अकॉर्डिंग आप वो यूज कर सकते हैं सो गाइस फॉर स्टेप नंबर वन आई एम गोना प्रेप माय स्किन मैं अपने स्किन पे प्राइमर यूज करूंगी और मैं शुगर का ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ इट्स देयर एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर अब मेरी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल टू ड्राई वाली तो मेरे को ये वाला एकदम बेस्ट सूट करता है सो बस मैं अपने हैंड्स पे थोड़ा सा लूंगी इसको इतना इनफ है मेरे लिए एंड बस इसको रब करूंगी अपने फिंगर्स के बीच में और जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को लगता है ज्यादा आप लोग के पोर्स हैं जो भी है आप वहाँ पे उसको अपने प्राइमर को यूज किया कीजिए सो गाइस मैंने प्राइमर अपने फेस पे लगा लिया है अब मैं प्राइमर को 2 से 3 मिनट दूंगी अपने स्किन में सेट होने के लिए उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे सो गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं अपना मेबेलिन का ये फिटनी वाला फाउंडेशन यूज कर रही हूँ नाउ आई एम द शेड 115 आइवेरी यू कैन सी सो जरूरी नहीं है कि मतलब अब ये वाला जो फाउंडेशन है ये बहुत ही ऐसे मीडियम कवरेज देता है एंड मतलब जैसे डे टू डे वाले इवेंट्स होते हैं ऐसे कुछ होता है उसके लिए बेस्ट है मतलब सीरियसली ये वाला तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है सो गाइस मैं अपने बैक के हैंड पे बस इसका वन पंप मेरे फेस के लिए तो इनफ होता है एंड मैं इसको अपने पूरे फेस से कुछ डॉट कर लूँ Now to blend this on my face, I'm going to take my beauty blender and मैंने इसको already damp कर रखा है, so I'm just gonna blend it on my face. So guys, जो blending थी वो मेरे face में complete हो चुकी है, अब हम next step पे चलेंगे and for next step, it's concealer and I'm taking my Maybelline New York Fit Me concealer in the shade, I guess it's 120, like the lightest shade I have. It's that shade. I will mention it over here. So आप लोग देख सकते हैं Now I'm just gonna apply it in the inner corners of my eye. Now taking a little bit more and applying it on the T of my face. Like. So guys, अब मैं blending start करूंगी और पहले जो ये टी है ना मैं यहाँ से start करूंगी एंड मैं अपना थोड़ा सा जो मेरे आईज के पास मैंने लगाया उसको थोड़ी सेट होने दूंगी क्योंकि जो मेरे अंडर आईज है ना वो लिटरली बहुत ब्लैक है डार्क सर्कल्स वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम सारे टीनेजर्स है ना वो रात में से जाग जाके उल्लू बन चुके हैं तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रा कवरेज के लिए मैं उसको थोड़ा सा और सेट होने दूंगी Guys, अब सेंटर वाला जो है सारा ब्लेंड हो चुका है अब मैं इनर उसमें स्टार्ट करूंगी और मैं आउटर से स्टार्ट करूंगी फिर जो इनर में होगा उसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक ड्रैग नहीं करना मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है उसके बाद जो भी आपके इसमें बचेगा ना स्पंज पे आपको उसको बीच में अप्लाई करना है blended out and for the next step I'm going to take my K Beauty HD setting loose powder in the shade vanilla so I'm just gonna take a little of it and loose powder के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है मतलब ये बिल्कुल ऐसे मैं ब्रश पे इसको थोड़ा सा लेके एंड मैं अपने अंडर स्किन से इसको पैट करूंगी ताकि जो कंसीलर लगाया है वो वहीं पे सेटल हो जाए और वहां से हिले ना और मतलब ना वो नीचे से ग्रीजी ग्रीजी ना लगे ऑयली ऑयली ना लगे मेरी आई सो आई एम जस्ट So guys, जो face है वो set हो चुका है अब हम next step पे चलेंगे and for next step I'm going to do my eyes. So eyes के लिए पहले मैं eyebrows से start करूंगी like मेरी बहुत thick eyebrows है but still आगे से थोड़ा सा उसको fill in करती हूँ मैं और ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ आप लोग शायद इस step को skip भी कर सकते हैं it's an optional step और मतलब ठीक है कोई बात नहीं
सो आई एम टेकिंग माई नायका ब्रो गर्ल ब्रो डिफाइनर इन द शेड बेविच चेस्टनट. एक साइड पे ऐसे पेंसिल है और दूसरी साइड पे इसमें स्पूली है, तो मतलब ये बहुत अच्छा मेरे को रहता है कि जिस भी हमारे आईब्रो प्रोडक्ट में अगर स्पूली आ रही है ना साथ में, तो बेस्ट प्रोडक्ट है, ले लो उसको एकदम से ले लो. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई आईब्रो एंड देन मैं अपने आईब्रोस को थोड़ा सा विदन से फिल करूंगी और कुछ नहीं. गाइस मैंने फिलिंग कर लिया है, बस अब स्पूली से जो है उसको अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर दूंगी ताकि हार्श लाइंस ना रहे वहां पे कोई भी. अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आईलाइनर ले रही हूं एंड दिस इज द ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर बाय नायका. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ विंग लाइनर एंड दैट्स इट. मैं अपनी आईज पे कोई आई शैडो अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि वो डेली बेसिस पे या ऐसे में मतलब मुझे तो इतना नहीं पसंद, बाकी आप लोगों को पसंद है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. So I'm just gonna apply a wing on my both of my eyes. So बस मैं eyes पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ mascara apply करूँगी because that's a must. ठीक है. So for the mascara करने से पहले मैं अपने eyelash करने से भी lashes पर भी थोड़ा सा curl करूँगी. Guys, eyelashes जो है वो curl हो चुके हैं. अब मैं अपना Maybelline का the colossal waterproof mascara जो है, Maybelline के mascara are the best. They are the best. मतलब seriously. मतलब एक coat में ना, अभी मैं लगा के दिखाऊंगी आपको, एक coat में आपको दिख जाएगा दोनों lashes में इतना ज़्यादा difference. Guys, मैंने थोड़ा सा close up कर लिया ताकि आप लोगों को मतलब जो एक कोट का डिफरेंस है ना मस्कारे का वो अच्छे से देख सके. सो इस आई पे मैंने लगा लिया है और इस पे मैंने एक भी कोट नहीं लगाया और दिस इज जस्ट वन कोट. सो यू कैन लिटरली सी अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लैशेस. तो मुझे ये वाला मस्कारा मतलब मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट. सो गाइस मस्कारा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग. मैं कॉन्टोर नहीं कर रही, मैं सिर्फ ब्रॉन्जिंग करूंगी बिकॉज कॉन्टोर थोड़ा हैवी हो जाता है, ब्रॉन्जिंग इनफ है मेरे लिए. तो सो आई एम यूजिंग दिस फिजिशियन फॉर्मुलाज ब्रॉन्जर, बटर ब्रॉन्जर इन द शेड डीप ब्रॉन्जर. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माय fish powder, making a fish powder, I'm just gonna apply it under my cheekbone so to make my face more chiseled. So guys, bronzing जो हो चुकी है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा chisel सा लग रहा है मेरे face पे. Kidding. So for the next step, I'm gonna use my blush and my blush is from MyGlam KPA series and it's in the shade 02 Juicy Strawberry. So this is what the shade looks like. And I'm just gonna take my brush and apply it on my cheeks. Guys, अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो है एक बार दोबारा लेके जो कॉन्टोर और जो ब्लश था उनको एक बार थोड़ा सा आपस में मिक्स करूंगी, जस्ट थोड़ा सा डार्क करूंगी, ब्लेंड करूंगी सो दैट अगर कोई हार्श लाइन हो ना तो वो इतनी दिखे ना एंड सब एक अच्छा सा मिक्स ब्लेंड लगे स्मूदी की तरह. बहुत बुरा सा साउंड. For the next and I guess the second or third last step of this tutorial, but it's the most important. So the next step is highlighter, and for highlighter I'm gonna use my all-time favorite Maybelline Master Chrome highlighter and it's in the shade 100 Molten Gold or Phone 2. I don't know, मैंने सही प्रोनाउंस किया है नहीं, कुछ और भी हो सकता है, बट जो लिखा है मेरे को जो लगा मैंने प्रोनाउंस कर दिया. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल, ये बहुत बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है मतलब ऐसे वाला है ये बिल्कुल. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल और मैं अपने यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी. गाइस लुक एट दिस, आप देख सकते हैं जस्ट अ स्ट्रोक. एंड अ लिटिल बिट ऑन माय नोज एंड द ब्रिज ऑफ माय नोज एंड अ लिटिल ऑन द क्यूपिड बोज. Guys, so that's it for the highlighter. अब देख सकते हैं मतलब एक विदिन वाला जो ग्लो होता है ना ये हाइलाइटर वो देता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे हाइलाइटर अपने फेस पे. सूट्स एंड मतलब सीरियसली हर स्किन टोन पे सूट करता है ये, मतलब इट्स एन ऑल राउंडर प्रोडक्ट. सो जस्ट सो गाइस फॉर द सेकंड लास्ट स्टेप आई एम गोना टेक माय शुगर स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, इट्स देयर मिनी वर्जन ऑफ दिस एंड इट्स इन द शेड 14 Teak Mystique. Now it's a mauve, dark mauve color and I really I just love this color. It's my favorite of all time. Sure, your mineral lipstick is very good, seriously. And personally,
लोगों को न्यूड लिपस्टिक्स पसंद होते हैं, लिपस्टिक पसंद होते हैं, बट मेरे को ना डार्क लिपस्टिक बहुत पसंद है, लाइक मेरे स्किन टोन में भी सूट करता है, तो मुझे बहुत पसंद है, सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट. Guys, the lipstick is on and it looks just fab on my face. I really love this. So for the last step, I'm gonna use this e.l.f. Lip Lacquer and it's in the shade Fantasy. Now it's kind of a lip gloss. I use it as a lip gloss. आप इसको bare lips पे भी लगा सकते हैं. बहुत सुंदर लगता है seriously. So थोड़ा सा लेके उसे मैं lower lip पे लगाऊंगी and then थोड़ा लूंगी तो वो मेरे upper lip से मतलब blend हो जाएगा. Guys, बहुत प्यारी finish देता है ये seriously. मुझे बहुत पसंद है. लिप ग्लॉसेस तो आजकल वैसे भी इतना ज्यादा ट्रेंड में है ना, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है. मैंने बर्थडे वाले दिन भी लगाया था, बहुत अच्छा लगता है, एक शीन लुक देता है सीरियसली फेस पे. सो फॉर द लास्ट स्टेप आई एम जस्ट गोना टेक माय नेक्स्ट मैट फिनिश मेकअप स्प्रे एंड आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल शॉट ऑफ दिस. So guys, with this, I completed my makeup tutorial, a small makeup tutorial जो अपने day to day life में या मतलब not day to day life but एक small events वाला जो आपका makeup up होता है ये वो है, friends के साथ कहीं बाहर जाना हो ऐसे, तो it's for that and I hope you enjoyed my video and अगर आपको पसंद आई हो तो please नीचे like करें, subscribe करें and comment down कि आप लोगों को ये makeup चीज makeup वाला tutorial अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं और कुछ भी ऐसा makeup का post करूँ because I love makeup. So if you want, just comment down and let me know about that. And I hope आपको सब कुछ पसंद आया होगा. And मैं आपको मिलती हूँ next video में. So तब तक के लिए bye bye. Ta-ta.